हाय फ्रेंड्स, मैं आपका सहायता धर्मिंदर शर्मा आज आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम आज वॉशिंग मशीन का जाम होके चलना, रुक रुक के चलना, गल चक्कर करना, उल्टे सीधे चक्कर करना, करने की क्या वजह होती है उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। देखो, मैंने आपके सामने ये व्हील वॉशिंग मशीन से खोल के बहुत कचरा जमा हुआ था, हल्का फुल्का जितना हो सके, जैसा जुगाड़ हो आपके पास, जैसा साधन हो, छोटा ब्रूस हो तो छोटे ब्रूस से या बड़े ब्रूस से, जैसा जैसे ये कोने कोने साफ़ हो जाए, क्योंकि व्हील भी भारी हो जाता है, पत्थर जैसा हो जाता है, इसकी वजह से भी व्हील भारी चलता है। तो मैंने आपके सामने ये देखो ऐसे साफ़ कर दिया है। अब मैंने आपको ले जा रहा हूँ उसको अंदर का भाग दिखाने। ये 12 साल पुरानी मशीन है, जिसका आज मैंने खोल के सफाई कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने अंदर का भी ये देखो इस प्रकार साफ कर दिया है। ये फिर व्हील लगाने जा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, व्हील मैंने सेट कर दिया है। मैंने व्हील टाइट कर दिया दोस्तों। अब मैं आपके सामने पानी डाल के इसको चला के दिखाऊंगा दोस्तों। तो जा रहा हूँ तार लगाने दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैंने तार लगा दिए। मैं ऑन करने जा रहा हूँ दोस्तों मशीन को, अब देखेंगे हमारी मशीन कैसी चल रही है दोस्तों। तो आपको बिल्कुल पास से दिखाता हूँ, हमारे चक्कर बिल्कुल सही तरह से लेने लग गई है, नहीं तो एक ही साइड में चक्कर वो ले रही थी, उल्टे सीधे चक्कर हो गए थे। ये देखिए दोस्तों आपके सामने, हाथ से करके घुमाना पड़ रहा था, साफ नहीं किया था उसने, हाथ से घुमाए अपने आप चल रही है, कचरा जमा होने की वजह से जाम हो गया थी दोस्तों। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।
बाय, टेक केयर।